भारत के पास तीन तरह की सेना है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। तीनों सेनाएं अलग अलग ढंग से काम करती है, यहाँ तक कि तीनों सेनाओं का सैल्यूट भी अलग है। लेकिन ऐसा क्यों, आइए बताते हैं कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के सैल्यूट में क्या अंतर होता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सैल्यूट का मतलब अपने बड़े अधिकारी को सम्मान देना होता है, इसीलिए देश की तीनों आर्मियों के जवान अपने अपने तरीके से सैल्यूट करते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का सैल्यूट पूरी हथेली दिखाकर यानी खुले हाथों से किया जाता है। इनके सैल्यूट के वक्त हाथ का पूरा पंजा दिखता है, सभी उंगलियां खुली रहती है और अंगूठा सिर और आईब्रो के बीच में होना चाहिए। इंडियन नेवी, इंडियन नेवी के जवान का सैल्यूट आर्मी से बिल्कुल अलग होता है। इनके सैल्यूट में पंजा नहीं दिखता, हाथ पूरी तरह से नीचे की ओर मुड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराने जमाने में जब नेवी के जवान जहाज में काम करते थे तो उनके हाथ गंदे हो जाते थे, तो वे अपने पंजे को छुपाकर सैल्यूट करते थे, बस तब से ऐसे सैल्यूट किया जा रहा है। एयरफोर्स, एयरफोर्स के सैल्यूट पहले आर्मी की तरह ही होता था, लेकिन साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स ने अपने जवानों के सैल्यूट के लिए नए फॉर्म तैयार किए थे। सैल्यूट के दौरान उनके हाथ और जमीन के बीच 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यह भी होता है कि वायुसेना आसमान की ओर अपने कदम को दर्शाती है। तो दोस्तों, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।